गुड मॉर्निंग दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, काफ़ी दिन के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। तो भाई बहुत बिजी हो रखे थे लाइफ में, तो नहीं हो पा रहा था, बट सोचा कि फाइनली आप लोगों को एक ब्लॉग दूँ। तो भाई आज सुबह सुबह हम चले अपने जो जंगल में हमारी एक रिजॉर्ट है, पहले भी वीडियो मैंने जिक्र किया है, वहीं देखने के लिए। क्या हाल है वहाँ? कुछ पेड़ लगाए थे वहाँ, तो उसी का मुआयना करने जा रहे हैं। और देख रहे हो भाई आगे से, ये है मार्शल आगे और ऑस्कर पीछे, तो ये दोनों भी हमारे साथ फॉरेस्ट टूर पे आज सुबह सुबह आ रहे हैं। तो चलो आपको भी ले चलते हैं अपने गांव के फॉरेस्ट टूर पे। ये रास्ते बना रखे हैं जो गांव में रोज़गार आता है ना, उसके तहत इस प्रकार के रास्ते काफ़ी मजबूती से बनाए हैं भाई। बस अब इनमें थोड़ा सीमेंट पड़ जाए तो बात ही कुछ और है, और यहाँ से हमारा जंगल शुरू हो जाता है। ये हमारे गांव का पर्सनल जंगल है जिसकी केयर हम खुद करते हैं भाई। देख रहो आजकल जानवर भी यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं, जिनमें कि सबसे खतरनाक भालू और बाघ यही सब है। तो ऑस्कर और मार्शल को भी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा भाई। तो चलो चलते हैं सीधे अपने जंगल वाली जमीन की तरफ। फॉरेस्ट में आते ही भाई देख रहे हो, ये है फॉरेस्ट मशरूम, और इस ये है भाई जहरीला मशरूम, इसको खाते नहीं है। तो बरसात में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे फॉरेस्ट में देखने को अमूमन मिल जाएंगी। खाने वाला मशरूम भी मिलता है, अगर मिलेगा तो आप लोगों के साथ ही मैं ज़रूर शेयर करूँगा ये भाई। और शायद इसको तो खाते भी हैं, लेकिन हाँ इसको खाते हैं, ये खाने वाला मशरूम है भाई, देख रहो इसको खाते भी हैं भाई। इसकी पहचान ये होती है कि ये जहरीला ना हो, इसमें जो जीव रहते हैं वो जिंदा रहते हैं, पर फिलहाल इसके तो सारे जीव मरे हुए हैं भाई, किसी ने तोड़ दिया है। देखिए भाई, तो इस प्रकार का मशरूम आजकल आमूमन देखने को मिल जाएगा, बट भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है इसको ले जाते समय, वो भी देख लो नीचे बहुत सारा हो रखा है भाई, यहाँ पे हो रखा है, और एक बहुत बड़ा नीचे हो रखा है भाई यहाँ पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनको ले जाने और खाने से पहले वही लोग खा सकते हैं भाई जिनको इनकी अच्छी तरीके से पहचान हो, वरना ज़्यादातर मशरूम ये जहरीला होता है भाई। ये देख रहा हूँ यहाँ पे भी है, ये बहुत सारे लोग भाई पहाड़ी क्षेत्र में इसको खा के मर भी चुके हैं, बट जिनको इनकी अच्छी पहचान होती है भाई वो इसको खा सकता है। लेकिन बस वही है, कुछ कुछ जो मशरूम होता है उसकी पहचान हमको भी है, लेकिन वो हमको अभी मिला नहीं है। अगर मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो मशरूम मैंने आपको दिखाया इनमें से भी बहुत सारा मशरूम खाने योग्य होगा, बट भाई हमको इसकी पहचान नहीं है तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते हैं। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप पूरी तरीके से 100% श्योर ना हो कि ये खाने लायक मशरूम है, उसको खाने का रिस्क बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है भाई। तो पहुंच चुके हैं अपने गांव के पैंथरा नाग जबक जगह में। यहाँ पे अक्सर महिलाएं जो हैं जब घास लकड़ियों के लिए जाती हैं तो अपने जो हथियार होते हैं दराती, तो उनकी धार को तेज़ करते हैं भाई इस तरह के पत्थरों से, ठीक है। तो इसका नाम ही तभी पैंथरा पड़ गया, गढ़वाली में बोलते हैं दराती पयाना, यानी कि तेज़ करना धार। और काफ़ी ज़्यादा मशरूम दिखाई दे रहा है हमको जंगल आते ही। बहुत दिनों के बाद हमारी ये फॉरेस्ट टूर बन रही है इस बरसात में, वो देखो नीचे भी है वहाँ पे। ये देखिए भाई बरसात में कितनी ज़्यादा घास यहाँ उगती है, ये देख रहे हो, कभी भाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आजकल देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ घास इतना होने का, वो है भाई गांव में गाय बच्चियाँ लोगों की है ही नहीं, अब बहुत कम हो गई है, तो
देख लो कितना घास है भाई। हमारे देखते देखते यहाँ पे बिल्कुल भी घास देखने को नहीं मिलती थी ऐसी इस प्रकार की, बट आजकल भाई बहुत सारी घास है आपको ऐसी मिल जाएगी। तो दगड़ो बिल्कुल नज़दीक हैं हम अपने, जो मैंने बताया था फॉरेस्ट, जो हमारा जगह है यहाँ जमीन पूर्वजों की, उसके बिल्कुल नज़दीक हैं हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ा मैंने वहाँ बगीचा लगाया था तो उसी को देखने के लिए आ रखा हूँ मैं आज कि यहाँ कौन कौन से पेड़ भाई प्रोग्रेस कर रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। काफ़ी टाइम से यहाँ आने का मौका नहीं मिला क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा घर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने सारे काम बंद कर दिए थे भाई। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा मैं फ्री होता हूँ तो कभी कभी इधर देखने के लिए आ जाता हूँ। आगे मेरे बहुत सारे प्लान हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से, तो बने रहें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करो और एक कमेंट्स ज़रूर कर लिया करो, ये खाली मोटिवेशन के लिए होता है। ठीक है, हम इससे काफ़ी मोटिवेट होते हैं आगे भी ब्लॉग बनाने के लिए। और ये देख रहे हो भाई, ये जो हरी हरी पत्तियाँ दिख रही है ना, ये भी पूरा चारा है भाई गाय बच्चों का। ठीक है, इसको भी गाय बच्चियाँ खाती है। और इनका नाम है बैरुड़ा भाई, बैरुड़ा बोलते हैं इनको, शायद बैरुड़ा ही बोलते हैं। और यहाँ भाई ये है हमारी जगह, देख रहे हो कितना सुंदर रिजॉर्ट टाइप का है भैया। थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ, नहीं तो बहुत अच्छी जगह है भैया। कभी हमारे पूर्वज यहाँ बहुत सारी खेती करते थे, पूरे बड़े बड़े परिवार पलते थे भाई यहाँ खेती करके। आजकल के परिवार तो बहुत छोटे हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, बट उस टाइम भाई ज्वाइंट फैमिलियाँ पल जाती थी भाई इन परिवारों में, इन खेतों के माध्यम से। तो यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, काफ़ी साल से यहाँ खेती नहीं हुई है। इस बार मैंने थोड़ा एफर्ट डाला और यहाँ ये चार दीवारी का काम और बागवानी का काम कराया, जिसमें कि गवर्नमेंट ने हेल्प की हमारी। ये है भाई हमारा, देख लो कितनी सुंदर जगह है भैया, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, और काफ़ी कुछ हो सकता है भाई यहाँ। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ ब्लॉग आएंगे आगे, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। कुछ प्लानिंग है मेरे इस जगह में कुछ करने की, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल चलते हैं और देखते हैं यहाँ जो मैंने पेड़ लगाए थे कितने अभी जीवित है भाई। यह एक पेड़ अनार का दिख रहा, ये है कागजी, ये शायद आम का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ खा चुका है भाई। यहाँ गाय बच्चियाँ लाते हैं भाई लोग और वो जो है नुकसान कर जाते हैं। एक यहाँ पे ये भी शायद कागजी का पेड़ है, एक ये है, यहाँ झाड़ियाँ हो गई है लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है भाई इसकी। ये नींबू का पेड़ है, ये देखो भाई ये भी नींबू का पेड़ है, और ये झाड़ियों की वजह से बचे हैं, नहीं तो यहाँ भी गाय बच्चियाँ आ जाती है भाई। ये है आम का पेड़, ये कागजी का पेड़ है, ये क्या है नींबू का पेड़ देख रहा, ये भी है भाई नींबू का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है भाई देख रहा, ये पेड़ है भाई अमरूद का, ये भी अमरूद का है भाई, जड़ तो लग गई है लेकिन सूख चुका है। और ये देख रहे हो भाई कुछ कुछ पेड़ जो है आजकल लोग यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं, बहुत गंदी बात है भाई, क्योंकि अब 24 घंटा तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ भाई। ये देख रहे यहाँ से निकाल के ले गए इस प्रकार से भाई, यहाँ जो है लोग पड़ोसी गांव वाले निकाल के ले जा रहे हैं भाई। यहाँ से देख रहे हो पेड़, काफ़ी ज़्यादा पेड़ यहाँ से ले जा चुके हैं भाई, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को नुकसान करके। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जिनको भी पेड़ चाहिए मैं मुफ्त में दे दूँगा, यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बट भाई लोगों की मानसिकता क्या ही कर सकते हैं भाई। ये है शायद अनार का पेड़, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये देख रहा। तो ओवरऑल अनार वो नींबू कागजी इस प्रकार के पेड़ यहाँ है जिनको लोग नहीं लेके गए हैं, बाकी सारे पेड़ भाई यहाँ से लगभग लगभग लोग लेके गए हैं। ये देख रहे हो ये भी अनार का है, ये अमरूद का है पेड़, अमरूद का पेड़ है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पेड़ लगाए थे हमने काफ़ी लग चुके थे वो, लेकिन भाई लोगों की मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते,
सारे यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं भैया, आजकल भी लेके जा रहे हैं, गाय बच्चों में आते हैं यहाँ। और ये है ये तो खेड़, तो यही चल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं लोगों की मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अब इतना तो है नहीं कि हम यहाँ एक आदमी रख दें, इतना इनकम का स्रोत हमारा है नहीं। ये देख लो यहाँ पे नींबू का पेड़ है भाई, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कागजी नींबू अनार इस प्रकार के पेड़ों को लेके नहीं जा रहे हैं लोग, बाकी लीची कटहल आम जैसे पेड़ों को यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं भाई। अब यार देखते तो हम किसी को है नहीं यहाँ, 24 घंटा हम रहते नहीं है यहाँ। ये देख लो ये पेड़ है उसका काफुल, ये ऑटोमेटिक हो रखा है। ठीक है जल्दी, एक ये पेड़ है भाई नींबू का, देख रहा ये वाला पेड़। तो इस प्रकार से भाई ओवरऑल यहाँ पे जो है नींबू जो कांटेदार वृक्ष है ना वो है, बाकी यहाँ सारे निकाल के ले गए भाई। देखो ये की है जैसे, ये इस प्रकार के पेड़ देखो लग गए हैं, अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है ये। तो कांटेदार वृक्ष तो है भी यहाँ थोड़ी बहुत, बाकी भाई सारे निकाल के ले गए लीची और कटहल वाले पेड़। ठीक है, अब ये है तो ये पता नहीं क्या है भाई, ये अमरूद आम कुछ तो है,